हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की कहानी जो शुरू होगी वो शुरू होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। वंस अगेन अ न्यू स्टोरी इन द टाउन के जो फॉल 2021 इंटेक के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक रिजिड पॉलिसी कैनेडियन की गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। और आ चुकी ये है कि हमारे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो फॉल 2021 इंटेक के लिए अप्लाई करेंगे दे हैव टू सबमिट देर एप्लीकेशन बिफोर मे 15, 2021। यस, 15th of May 2021। दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ फॉल 2021 इनटेक इन अ कैनेडियन DLI इंस्टीट्यूट। तो अब सिचुएशन कुछ राउंड फ्लिप चल रही है। तो सिचुएशन ये चल रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी इसी पैनिक से नहीं निकले हैं कि भाई हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हमारे ओ लेवल्स ए लेवल्स कैंडिडेट्स की, हमारे FSC के बच्चे और हमारे जो कैनेडियन जो 12th के बच्चे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में हमारे FSC और इंटर के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। और पॉलिसी आ गई है फॉल 2021 इनटेक की। तो अब ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ क्रिएट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा एजुकेशन गैप क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान में तो A2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कहा गया कि आप पेपर दें, बट जो और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो ये चीज़ कर दी है कि भाई January 2022 के इनटेक के लिए, 2022 के इनटेक के लिए वो लोग उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा इशू क्रिएट हो गया। अब इशू क्रिएट ये हो गया है कि एक तो वो लोग इस पैनिक में अभी तक चल रहे थे कि भाई हम अपना AS लेवल दें, A2 लेवल दें, पेपर्स कैसे दें, तो एंड तक एग्ज़ाम्स की कंफर्मेशन नहीं है और फाइनली 1-2 दिन पहले वो कैंसिल हो गए सारे एग्ज़ाम्स। खाली जो A2 के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं दे रहे। इंडिया में क्योंकि वो सिचुएशन चल रही है, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 300,000 केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन है इंडिया की। और इंडिया में भी एग्ज़ाम्स वगैरह सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कैंसिल हो गई हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज़ में हमारे कैंसिल हो गए हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स के एग्ज़ामिनेशन। तो अब उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जो अप्लाई करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलें फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं और क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा टू इंश्योर कि हम लोग 2021 के फॉरेन टेक में एलिजिबल हो सकें। और अगर नहीं हो सकते हैं उसकी भी एडवाइस दूंगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ थोड़ा। तो स्क्रीन की तरफ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हाउ वुड दिस गो अराउंड और क्या IRCC ने हमारे वो पॉलिसी पुट फॉरवर्ड करी है फॉर द फॉर 2021 इनटेक फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं। हम थोड़ा सा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनसे बात करेंगे, चेक करेंगे क्या पॉलिसीज़ हैं, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद में फ़ाइनल वीडियो में आपको, फाइनल क्लिप्स में आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई क्या एडवाइस है मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जहाँ आपके 15th मई 2021 तक आपको फॉल अपनी सबमिट डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा फाइल करना है फॉर द फॉल 2021 इनटेक। तो गाइज पहले चलते हैं वेबसाइट की तरफ, लिंक की तरफ, और लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और बाकी जो एडवाइस है वो मैं लास्ट पार्ट में दूंगा। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो, डेवलप हो सके कि करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हुए होंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। तो आपको अपने गूगल सर्च बार में लिखना है कि कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर फॉल 2021 इनटेक, राइट। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट लिंक canada.ca की खुलेगी, जिसमें हम जब जाते हैं तो ये हमें बताएगा कि क्या हमारी पॉलिसीज़ में चेंजेस आई हैं और ये किस तरह चल रहा है। ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए हैं। एक तो हमारे पास ये आ गई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपडेट के भाई फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एज ऑफ April 2022 हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, फ़्लाइट बैन हो गई हैं 30 डेज़ के लिए। अब जब हमें यहाँ पे आना है तो हमें आना है स्ट्रेट नीचे, यहाँ हमें आना है अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट। अब अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट जब हम ये पढ़ते हैं तो अब ये देखें कि हमारा अपडेट है कि सबमिट योर कम्प्लीट स्टडी परमिट अप्लीकेशन फॉर द फॉल 2021 सेमेस्टर इफ़ वी रिसीव योर कम्प्लीट स्टडी परमिट अप्लीकेशन बाई May 15th। इट मीन्स के जो 2021 फॉल इनटेक के बच्चे हैं उनको 15 मई से पहले अपनी फाइल, वीज़ा फाइल GCE के थ्रू अपनी फाइल लगानी है। तो
तो उनको डिसीजन 6 अगस्त 2021 तक मिलेगा, ताकि उनको वो टाइम मिल सके कि वो फॉल सेमेस्टर अटेंड कर सकें। अब ये चीज़ आ जाती है, तो अब आप जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए DLI के थ्रू, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट एप्लीकेशन मांग रहे हैं, और अगर आप कोई कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं दे सको तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी मांग रहा है फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट आर मिसिंग। दूसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा कि जब आप अपनी प्रोसेस एप्लीकेशन वो कैनेडा एम्बेसी जो है वो तभी करेगी अगर आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ वी प्रोसेस एप्लीकेंट्स, कि आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी लगी हुई हो एंड विल अटेंड अ DLI विद एन अप्रूव COVID-19 रेडीनेस प्लान। इट मीन्स कि सारी यूनिवर्सिटी जो कैनेडा में है उनके पास मेजॉरिटी के पास 80-90% के पास COVID-19 रेडीनेस प्लान अवेलेबल होता है, तो इसका इतना इशू नहीं है। बट मेन इशू है सबमिट अ कंप्लीट एप्लीकेशन। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न आ जाता है कि व्हाट टू डू इफ़ यू कांट प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पहले ऊपर क्या बोला कि यू नीड टू हैव अ कंप्लीट एप्लीकेशन, राइट। अब ये यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपको इफ़ यू नीड टू सबमिट अदर डॉक्यूमेंट फॉर एन एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, तो लेकिन आपको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं होगी तो दे विल नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली गिव मोर टाइम टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अगर वो आपको ज़्यादा टाइम देते भी हैं तो दैट इज़ मैक्सिमम 30 डेज। ये इन दोनों के लिए भी पॉलिसी है कि जो पुराने जिन लोगों ने वीज़ा फाइल किए हुए हैं तो उनको भी जब रिक्वेस्ट आती है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो वो 30 डेज ही होते हैं। पहले वो एक्सटेंड हो जाते थे, अब वो एक्सटेंड नहीं होते हैं। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी और सिटी या कंट्री में ट्रैवल नहीं करना, ये सारी चीज़ें वो लोग चेक कर लेंगे कि आपने ट्रैवल किया है कि नहीं करा, और ये एक्सटेंडिंग योर डेडलाइन वो देखेंगे अगर कंसिडरेशन होगी, लेकिन कंसिडरेशन बहुत मुश्किल है। तो गाइस ये थी आपको अपडेट देने की, लिंक इसकी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, एडवाइस से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि वजह ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आएंगी, और खाली ये चैनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स की, क्योंकि मेरा सेम बैकग्राउंड है। तो चलते हैं एडवाइस की तरफ। अब कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करें कि अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करें, ये कन्वे ना करें कि भाई वो लोग ये फिक्र कर रहे हैं कि हमारे बाहर का क्या होगा, स्टडी गैप आ जाएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चांस कि ज़्यादातर जो फॉल इनटेक के इस दफ़ा होते हैं, यूजली हर साल फॉल इनटेक को ही प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन कंसिडरिंग द सिचुएशन एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जैन 2021 के इनटेक्स इस दफ़ा ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करेंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि सितंबर 2021 का बहुत ज़्यादा बल्क जो है वो नहीं आ पाएगा, इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ पाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी, चाहे आप कैनेडा अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, तो आपको चांस मिलेगा फॉर द जैन 2021 इनटेक। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो AS के हैं, A2 के हैं, कि वो अपना अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स दे दें तो वो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे भी ऊपर जा सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट 15 मई तक अपनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मत लगाना, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा एक दफ़ा तो फिर आपके बहुत केस ख़राब हो जाएगा। तो देयर इज़ एन एडवाइस, डोंट रश, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन बस भरनी नहीं है, देनी नहीं है, इसको प्रॉपर फाइल करो, प्रॉपर अपने स्टेटमेंट्स दिखाओ, प्रॉपर अपने फंड्स दिखाओ, प्रॉपर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दिखाओ, एफिडेविट फॉर सपोर्ट दिखाओ, स्टूडेंट डिक्लेरेशन दिखाओ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वीज़ा फाइल में रखो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रखो, ये सारी चीज़ें रख के और प्रॉपर तरीके से वीज़ा फाइल करो, जल्दबाजी ना करो, अप फ्रंट मेडिकल दो और अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह, तो कॉल्स आ जाती हैं, ईमेल आ जाएगी आपको वीज़ा जब आप अप्लाई करोगे, बट डोंट पैनिक और जल्दी अप्लाई मत कर देना 15 मई के चक्कर में कि इसी फॉल इनटेक में जाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी दें, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जिनके नहीं हैं, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का वेट कर रहे हैं, अप्लाई मत करें, जल्दबाजी ना करें। जैन का इनटेक भी आएगा और काफ़ी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो जनवरी भी ऑफ़र करती हैं, खाली सेप्टेम्बर ऑफ़र नहीं करती। तो 3 मंथ्स के गैप से डोंट पैनिक एंड डोंट रश। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थम्स अप।